हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सरिताज वर्ल्ड। और यहाँ पर ये मैंने बनाई है चीज़ मैगी, क्योंकि पूर्वी का मन था आज मैगी खाने का विद ऊपर से चीज़, तो उसको दी बना के गर्मा गर्म। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर जैसे कि आज सैटरडे है, तो मुझे बेडशीट वगैरह सब चेंज करना होता है। तो यहाँ पर बेडशीट उतार दी है मैंने, ये वाली, और गद्दा वद्दा झाड़ कर, और यहाँ पर गद्दे को अल्टी पल्टी करके भी झाड़ा, और गद्दे के नीचे पसारा, देख सकते हो आप। क्योंकि ना जिसके भी हाथ में जो आता है वो रख देता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ हटाया नहीं, संभाल के रख दिया, क्योंकि ये लोग आएंगे ढूंढते हुए, बोलेंगे हमारा यहाँ रखा था कहाँ गया, तो इसलिए मैंने वहीं पर रख दिया। और उसके बाद मैं बेडशीट बिछा दी यहाँ पर, और ये पीलो कवर्स चेंज कर दिए। तो मेरे पीलो ना काफ़ी, मतलब जैसे कभी कभी डबल पीलो लगाने का मन करता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अकेला मेरा पीलो ही काफ़ी है। मतलब बहुत अच्छी नींद आती है। ये मेरा पुराना सोफ़ा था, वो मैंने निकाला था मतलब एक बार दिवाली पे, तो उसके गद्दों से मैंने सिलवा के लिए थे ये तकिए। तो बेडरूम क्लीन के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पैसेज में, और ये टेबल है जो पैसेज में मैं रखती हूँ। यहाँ पर मैंने चादर को बिछाया, फिर से उल्टा करके बिछाया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही थी। और थोड़े से इसमें दाग वाग लग गए हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डब्बे रखती हूँ मैं। वैसे बेडशीट ये धुली हुई मैंने बिछा दी थी, तो ये डब्बे वगैरह रख दिए। मुझे यहाँ से लेकर पकाना बहुत, मतलब ईजी हो जाता है। और उसके बाद में ये अंदर वाला बेडरूम, यहाँ पर ये रैक पर कपड़े डालती हूँ, थोड़ी धूप भी आती है और फैन में भी सूख जाते हैं कपड़े। तो कल वाले कपड़े सूख गए थे, उनको उतार के फटाफट से मैंने घड़ी करके रख दिया कबर्ड में। और देखिए स्पीड में कितना फटाफट काम हो रहा है। काश ऐसा हो सकता है, ऐसी स्पीड सबके अंदर आ जाए काश, पर ऐसा नहीं है। ये सब कामों से लगो तो 2-4 घंटे लग ही जाते हैं, और थक भी जाते हैं मतलब हम लोग। तो यहाँ पर बस ये सब रख दिया था, और ले आई हूँ ये धुले हुए कपड़े, और फटाफट से इनको भी डाल दिया है सुखाने के लिए। और यहाँ पर खिड़की से धूप भी आती है और फैन भी चलता रहता है, तो आराम से सूख जाते हैं। और यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैं ये वाली बेडशीट भी चेंज कर ली थी, क्योंकि अच्छा लगता है। मतलब सैटरडे संडे कोई ना कोई आता जाता है घर पे भी, और घर पे ही रहते हैं सब, तो मैं ये सब काम ना करके ही रख देती हूँ, ताकि मतलब ऐसे अड़चन ना हो किसी भी काम में। बस खाओ पकाओ, बाकी सब क्लीन रहेगा तो अच्छा लगता है। तो बस ये यहाँ पर भी क्लीनिंग हो गई है, अंदर वाला बेडरूम भी हो गया, ये वाला भी। उसके बाद में गर्मी लग गई थी, फिर से एक बार स्नान किया, और स्नान करके डायरेक्टली अभी शाम वाली पूजा कर रही हूँ। और मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पर माता जी का स्थान बनाया है मैंने, जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पूजा कर ली थी। और आज है सैटरडे, आज ग्रे कलर है कुछ, तो मतलब राखाड़ी कलर कहते हैं, तो ये रंग का ड्रेस मैंने पहन लिया था। तो उसके बाद में पूजा करते करते मैं इतनी ज़्यादा आज इमोशनल हो गई ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। और गाइस पूजा करते करते मेरी आंखें भर आई, क्योंकि टीवी में चल रहे हैं माता के गाने, और मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है आज बहुत ज़्यादा। और मुझे मालूम है शाम का टाइम है, रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। मुझे मम्मी की इतनी याद आई, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मी की इच्छा थी मिल के माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की, बट वो मैं कभी जा नहीं पाई मम्मी के साथ। और मेरा सपना है, मतलब मैं जीते जी एक बार ज़रूर वैष्णो देवी के दर्शन करूं। और मुझे बहुत, मतलब मेरी आंखें, मतलब आंसू मेरे रुक ही नहीं रहे। और अभी मम्मी पापा कोई नहीं है, मुझे दोनों की याद आ रही है।
मतलब अभी इस वक्त घर में कोई नहीं है। हाँ मैं रो रही हूँ कैमरा लगा के, मतलब मैं, आप लोग मतलब सोचने वाले चाहे जो भी सोचे, लेकिन जैसे कि आप भी मेरी एक YouTube फैमिली हो, अभी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो तो मैं बना ही रही थी, कैमरा चालू था, लेकिन यहाँ पर आंसू आने लगे। मम्मी और पापा की दोनों की याद आ रही है मुझे आज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, डबिंग करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो जैसे तैसे संभाला, क्योंकि यहाँ पर कराटे स्टूडेंट्स आए हैं और डियर हस्बैंड आ चुके हैं क्लास से। तो यहाँ पर है ना, अभी हम लोग कर रहे हैं कैंप जाने की तैयारी, क्योंकि दिसंबर में हमको कैंप जाना है और इतना आसान नहीं है, हमको बहुत महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है, बस की बुकिंग और वहाँ पर बुकिंग जाने के लिए, और उसके बाद में बच्चों का एडमिशन फॉर्म वगैरह वो सब की तैयारी, और ब्लैक बेल्ट्स में भी बच्चे उतरने वाले हैं, तो काफ़ी महीनों पहले से मतलब तैयारी करनी पड़ती है। तो आप देखना ज़रूर हम लोग कैंप जाएंगे वो सब व्लॉग। और यहाँ पर आज संस्कार भी आया है, तो संस्कार का बर्थडे है आज, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मतलब सभी के लिए भजिया, मतलब बेसन वाले पकोड़े बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने हरी मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, तो बेसन घोल के बस फटाफट से यहाँ पर पकोड़े मैंने उतार लिए थे, तो जैसे कि मुझे एकदम क्रिस्पी वाले बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर वापस से मतलब तल के कट कर रही हूँ और फिर से तलूँगी, और एकदम क्रिस्पी मतलब अच्छे लगते हैं कुरकुरे पकोड़े। तो अभी यहाँ पर है ना अंश खड़ा है मेरे पास, मतलब हमारा कराटे स्टूडेंट, तो यहाँ पर उससे बातें करते करते फटाफट से मैंने पकोड़े तल लिए हैं, तो उसके बाद मैं बाहर सभी को दे दिए थे चाय पकोड़े वगैरह, और डियर हस्बैंड भी आए हैं पानी पीने के लिए किचन में, और यहाँ पर सॉस डाल दिया है, मतलब बच्चों को सॉस वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, तो चलिए चलते हैं बाहर। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Everybody to me. Happy birthday. Thank you, ma'am. Let's see the song. तो बाहर बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, उसके बाद में ये हैं दो डब्बे पिस के, मतलब इसे पिस कहते हैं, ये मतलब नॉर्मल मिठाई नहीं है, नॉर्मल मिठाई कभी भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये एक स्पेशल दूध से बनती है। तो यहाँ पर ये दो डब्बे लाया था संस्कार, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। गाइस अभी जस्ट खाना हुआ और बैठी हूँ आराम से, और सबका खाना हो गया है मतलब, तो फ्लोर पे ही आज फिर से हम एक बार लगाएंगे म्यूज़िक, और बच्चे थोड़ा सा डांडिया करेंगे या गरबा करेंगे, देखते हैं। आज मन बहुत उदास है, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है मुझे, और मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ, और देखेंगे इस साल मतलब हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पूर्वी का ना 10th है, इसलिए हम लोग अभी तक निकले नहीं हैं, तो देखेंगे कैसे क्या प्लान रहेगा, आप लोगों के साथ तो सबको शेयर हो ही जाएगा। तो आज इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।